It's all the same. वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, मैं हूं हमजा अली और आप देख रहे हैं मूवीज क्रैक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम काउंट डाउन करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट वॉच Netflix सीरीज इन 2020 अवेलेबल इन हिंदी। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था टॉप 10 बेस्ट Netflix सीरीज विद मिनिमम 2 सीजन अवेलेबल इन हिंदी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली तमाम न्यू अपडेट्स मिलती रहें। नंबर 10 पर है 6.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ ड्रैकुला। इस वेब सीरीज को रिलीज किया गया था 2020 में और इस वेब सीरीज में शामिल थे 3 एपिसोड। ईच एपिसोड था 1 आवर 30 मिनट का, हर एपिसोड एक मूवी के बराबर था। इस वेब सीरीज में बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टोरी को धीरे धीरे बिल्डअप किया गया है, तो जो लोग ड्रैकुला के फैन है उन्हें ये वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। नंबर 9 पर है 6.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ स्पेस फोर्स। इस वेब सीरीज को भी रिलीज किया गया था 2020 में। इस वेब सीरीज में शामिल थे 10 एपिसोड्स, 30 मिनट्स ईच एपिसोड का। ये बेहतरीन कॉमेडी स्क्रीन प्ले आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, तो जो लोग कॉमेडी बेस्ड वेब सीरीज पसंद करते हैं उनके लिए ये वेब सीरीज मस्ट वॉच है। नंबर 8 पर है 5.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ कर्स्ड। इस वेब सीरीज को रिलीज किया गया 2020 में, 10 एपिसोड्स, 40 to 45 मिनट्स का ईच एपिसोड। इस वेब सीरीज को हम 2020 की बेहतरीन वेब सीरीज भी कह सकते थे, लेकिन इस वेब सीरीज का जो स्क्रीन प्ले था वो बहुत ही ज्यादा स्लो था जिसकी वजह से ये वेब सीरीज काफी लोगों को पसंद नहीं आई। तो अगर आप लोग वेब सीरीज की दुनिया में नए हैं तो आप लोगों को ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। नंबर 7 पर है 6.4 आईएमडीबी रेटिंग के साथ वो एसेसियंस। इस वेब सीरीज को रिलीज किया गया था 2019 में, 10 एपिसोड्स विद 40 to 45 मिनट्स ईच एपिसोड। अगर आप लोग इस वेब सीरीज को रेड 2 की एक्सपेक्टेशन से देखेंगे तो आप लोग बहुत ही ज्यादा अपसेट होंगे। लिटरली मैं खुद कहूं तो मुझे इसका प्लॉट थोड़ा सा चाइल्डिश लगा। अगर आप लोग वेब सीरीज में नए हैं तो आप लोगों को ये वेब सीरीज भी जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही जबरदस्त है। नंबर 6 पर है 6.1 आईएमडीबी रेटिंग के साथ वी वॉर्स। इस वेब सीरीज की जो स्टोरी है वो सबसे अलग है। इस वेब सीरीज को रिलीज किया गया था 2019 में, 10 एपिसोड्स विद 1 आवर ईच एपिसोड। आप लोगों को ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। अगर आप लोग इस वेब सीरीज को द वॉकिंग डेड की एक्सपेक्टेशन से देखेंगे तो आप लोग बहुत ही ज्यादा अपसेट होंगे। आप लोगों ने बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के इस सीरीज को देखना है। बहुत ही जबरदस्त स्क्रीन प्ले है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसकी स्टोरी को बिल्डअप किया गया है। नंबर 5 पर है 6.7 आईएमडीबी रेटिंग के साथ स्नोपायर्सर। इस वेब सीरीज को रिलीज किया गया था 2020 में, 10 एपिसोड्स विद 1 आवर की ये वेब सीरीज बहुत ही जबरदस्त है उन लोगों के लिए जिन्होंने स्नोपायर्सर फिल्म नहीं देखी। तो मैंने ऑलरेडी स्नोपायर्सर मूवी देखी हुई थी, इसका प्लॉट मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट था, इस वजह से मुझे ये सीरीज ज्यादा पसंद नहीं आई। आप लोगों को ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। ऑनेस्टली आप लोगों को कहूं तो मैं इसके सीजन 2 का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूं क्योंकि इसका जो सीजन 2 है उसके अंदर जो स्टोरी होगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो इसका जो सीजन है वो भी हो चुका है फाइनल जो रिलीज होगा 2021 में। नंबर 4 पर है 7.4 आईएमडीबी रेटिंग के साथ लॉक एंड की। इस वेब सीरीज को रिलीज किया गया था 2020 में, 11 एपिसोड्स विद 40 to 45 मिनट्स ईच एपिसोड। इस वेब सीरीज की स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है जो 3 बहन भाइयों के गिर्द घूमती है। इस स्टोरी के जो तमाम कैरेक्टर्स हैं वो जाकर मिलते हैं एंड के एपिसोड में, तो आप लोगों को ये जरूर देखनी चाहिए। वेब सीरीज बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज है ये। नंबर 3 पर है 8.0 आईएमडीबी रेटिंग के साथ दी अम्ब्रेला एकेडमी। इस वेब सीरीज को रिलीज किया गया था 2019 में, अब तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं, 10 एपिसोड्स का ईच सीजन विद 1 आवर ईच एपिसोड। इस वेब सीरीज में दिखाए गए हैं ऐसे 7 बच्चे जिन्हें पावर्स मिलती हैं दुनिया को बचाने के लिए। बहुत ही जबरदस्त इसका स्क्रीन प्ले है। इस वेब सीरीज में छोटी छोटी बातों को भी बताने के लिए बहुत ही लंबे लंबे सीन्स किए गए हैं। नंबर 2 पर है 8.2 आईएमडीबी रेटिंग के साथ दी विचर। इस वेब सीरीज को रिलीज किया गया था 2019 में, 8 एपिसोड्स विद 1 आवर ईच एपिसोड, वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज इन 2020। अगर आप लोगों को ऑनेस्टली कहूं तो आप लोगों को हेनरी कैवल द विचर में एज ए द विचर ज्यादा पसंद आएंगे एज कंपेयर टू सुपरमैन। तो नंबर 1 पर है 8.2 आईएमडीबी रेटिंग के साथ लूसीफर। इस वेब सीरीज को रिलीज किया गया था 2016 में, 5 सीजंस विद 93 एपिसोड, 40 to 45 मिनट्स का ईच एपिसोड। बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज। हेल का किंग जब अपने काम से बिल्कुल ही थक जाता है तो वो छुट्टियां मनाने के लिए अर्थ पर आ जाता है। जब वो अर्थ पर आता है तो वो अर्थ पर आकर क्या कुछ करता है आप लोगों को वो इस वेब सीरीज में देखना होगा। वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज इन 2020 वो है लूसीफर। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली तमाम न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने आने वाली अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।